के तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अब से लोकसभा चुनाव की शुरुआत करेंगी। सुनीता केजरीवाल आज आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में आज एक मेगा शो करेंगी। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनके लिए आशीर्वाद मांगने और आप उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए प्रचार करेंगी। वे दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा के लोगों से उनके लिए आशीर्वाद भी मांगेंगी। आप सूत्रों का कहना है कि आपके प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल धीरे धीरे पार्टी में बड़ी भूमिका निभा रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मौजूदा हालात में पार्टी को एकजुट रखने के लिए सुनीता केजरीवाल सबसे बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति का पार्टी कार्यकर्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बता दें कि सुनीता केजरीवाल पिछले महीने दिल्ली और रांची में इंडिया ब्लॉक की मेगा रैलियों में भी शामिल हुई थी, जिसमें विपक्षी खेमे ने विपक्ष शासित राज्यों को परेशान करने के लिए, केंद्रीय एजेंसियों का कथित तौर पर दुरुपयोग करने के लिए बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सुनीता केजरीवाल अब तक 3 बार मीडिया को संबोधित कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम केजरीवाल के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। आपने कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनके जेल से सरकार चलाने से कानून भी नहीं रोक सकता। सुनीता केजरीवाल एक पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है, जिन्होंने 22 वर्षों तक आयकर विभाग में सेवा की। भोपाल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। वे 1994 बैच की हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल 1995 बैच के अधिकारी हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।